Assalamualaikum YouTube family, welcome back to Sadhav's daily vlogs. Bismillah करके start करते हैं भाई. आज हूँ मैं कारसास रोड पे and दोपहर का टाइम हो रहा था. मैंने कहा क्यों नहीं, जब मैं रास्ते में हूँ तो क्यों ना एक व्लॉग बना दी जाए. बाय द वे मैं यहाँ स्प्रिंगफील्ड को क्रॉस कर रही हूँ. स्प्रिंगफील्ड स्कूल जो कि मैं यहाँ से पढ़ी थी, अपना मैंने स्कूलिंग यहीं से की थी. दैट इज नेक्स्ट टू अपोजिट PNS कारसास एंड वन ऑफ माई फाउंडेस्ट मेमरीज ऑफ द स्कूल एंड क्या कहते हैं, बहुत बहुत मेमोरेबल है. जब भी क्रॉस करती हूँ तो मुझे अपना स्कूल डेज याद आ जाते हैं. किस तरह स्कूल वैन पे हम 1:30 पे हमारा ऑफ होता था बच्चों का, अब 1:45 हो गया आई थिंक. बट आई एम स्टिल इन टच विद माई टीचर्स एंड एवरी वन. अब दोपहर का टाइम है, बहुत छोटी व्लॉग होगी, लंबी व्लॉग होगी, आई डोंट नो, लेट्स सी. मैंने कहा कि दोपहर का टाइम हो रहा है तो क्यों ना यहाँ का बन कबाब खा लिया जाए. भूख लग रही है, कामों से निकली हुई थी एंड बस यहाँ पे ये है कि अभी भूख लग रही है तो हम यहाँ के खाते हैं. इधर अगर आप आए इधर, आपने कुंदन ब्रोश इनका ट्राई किया है, मुझे याद है ये भी मैं बहुत खाती थी, अब नहीं बट पहले खाया था मैंने लॉन्ग टाइम बैक. बट पता नहीं क्यों छोड़ी थी, मेरे ख्याल से दूसरी जगह मिल गई थी. बट दिस वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस जहाँ पे ब्रोश मिलता था, बहुत पुराना है. और यहाँ पे आपके जलेटो फेयर्स भी है. एक तो ये बिजली के जो तार है ना, बस ये जाल जो है ना, पता नहीं ये कौन लोग हैं. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ये समझ ही नहीं आता हमारे अंडरग्राउंड वायरिंग क्यों नहीं होती, अल्लाह माफ करे. चलें बस जाते हैं, ये बन कबाब लेना है मुझे. यहाँ से ये खाती हूँ, थोड़ा सा जूस लेती हूँ. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. किसको पसंद है भाई ये देसी बन कबाब, मुझे तो बहुत पसंद है ये अंडे वाला चटनी वाला बन कबाब, नथिंग लाइक इट. तो यहाँ का बड़ा मशहूर है मैंने सुना है, तो ये भी खाते हैं और फिर आपको बताते हैं, लेते हैं और दिखाते हैं, ठीक है. यस यस हाँ, तो बताइएगा कि आपने ये वाला ट्राई किया है कि नहीं किया है, ठीक है. और कमेंट्स में जरूर क्या करें, आई लुक फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स. चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम. बस बहुत हो गया, मैं ख्याल से जाके बनवा भी लेते हैं, ठीक है. चले आए, लेट्स गो. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, यहाँ हम सदफ डेली व्लॉग्स के अंदर फूड को भी लेते हैं, फूड रिव्यू भी करते हैं, फूड मेकिंग भी लेते हैं. बिफोर हमारा वाला स्टार्ट हो, एक पहले वाली प्लेटर किसी के लिए रेडी हो रही थी, तो दो बन कबाब मैंने अंकल को कहा था अंकल कर दें, एंड एक चिकन वाला, एक अंडे वो दाल वाला जो होता है ना, एंड आई लव देम बोथ. एक रयान के लिए था चिकन वाला, मैंने अपने लिए दाल वाला बनवाया था, बिकॉज आई लव द देसी वाइल देसी स्टाइल वाला, जो देसी वाला होता है ना, टिपिकल दाल वाला. वहाँ पे मैंने कहा था अंडे वाले ज़रूर रखिएगा इन दोनों को. चाट मसाला डलवाने के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, और प्याज ज़्यादा, खीरा ज़्यादा. आई डोंट लाइक टोमेटोज, आपके बारे में क्या है, आप लोग को भी पसंद है. यहाँ पे जब बन फ्राई हो गया था, चटनी गई थी उसके ऊपर, और हरी चटनी जो इनकी स्पेशल वाली होती है, और प्याज बारीक लच्छे वाली प्याज. अंडा भी फ्राई हो गया था, ऊपर से भी चाट मसाला डलवाया था, और दो अंडे थे तो दोनों बर्गर्स के लिए थे. पहले मेरे ख्याल से पैटी डलता था और फिर अंडा डला था. और ये वहाँ पे दाल वाले जो बन वो अंडे ना पैटीज, उनको डिप करके ये इस तरह फ्राई करते हैं. बड़ा फ्रॉथी किस्म का ये इनका मिक्सर है. और ये गया हमारे पैटीज, मेरा तो दाल वाला गया है, ये गया रयान भाई का खटाखट वाला. और ये देसी वाला जुगाड़ी भी होता है, सस्ता भी होता है एंड फिलिंग भी होता है, टेस्टी भी होता है. तो ऑल इन वन, व्हाट एल्स डू यू नीड. आई एम वेरी फाउंड ऑफ बर्गर्स. यहाँ पे मैंने कहा था भाई नो टोमेटोस, तो अंकल ने बहुत ख्याल रखा है, नो टोमेटोस. खीरा डलवा दिया था ज़रूर, मैंने कहा था प्याज ज़्यादा खीरा ज़्यादा. एंड मैंने कहा था मेयोनीज भी डाल दें, कहने लगे मेयोनीज तो है नहीं, रशियन सैलड है. मैंने कहा चलें 100 बिस्मिल्लाह ये भी ट्राई कर लेंगे, जब इतना हाईली रिकमेंडेड है चाट मसाले का, तो आई टोल्ड यू बिफोर. अब जब ये फाइनल सब चीज़ें रेडी हुई थी, एक दफ़ा इनको फाइनल फ्राई करना था. वैसे ही इतना फ्राई बट स्टिल यहाँ पे ये हमारा एक्स्ट्रा क्रिस्पी होने के लिए फिर से एक दफ़ा फाइनल फ्राई हो रहा है, और हमारा बर्गर जो है बन कबाब, बर्गर बन कबाब जो है ये रेडी हो गया. तो हु लव्स इट टेल मी इन द कमेंट्स एज वेल, आपको कैसी लगी मेकिंग और क्या देख के मुँह में पानी आया. यहाँ पर मैंने हाफ़ करवा दिया था क्योंकि फिर हाथ में सही तरह नहीं आता, ग्रिप सही नहीं आती है. आपका क्या ख्याल है, वरना वो इधर गिर रहा होता है उधर गिर रहा होता है. यहाँ पे मेरा जूस भी रेडी हो गया था, यहाँ पे बन कबाब भी रेडी हो गया था. सो लेट्स गो भाई, मजा आया. तो भाई हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया अपना बन कबाब, बड़ा मजे का था, देखने में ही इतना टेस्टी था. और उसको करा दिया पैक, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि रयान के लिए भी करवा दिया.
अम्मा ने खा लिया होगा, रयान शौकीन है मेरी तरह, आपकी तरह मेरी तरह। लुक एट दोस पिजन्स, आई लव पिजन्स। अच्छा, स्कूल की बातें हो रही थी, मैंने कहा थोड़ी सी चैट भी हो जाए आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को अपनी स्कूल की मेमोरीज, अगर आप बच्चे हैं, अगर छोटे बच्चे देख रहे हैं अभी, तो भाई मेक योर मेमोरीज, बहुत याद आता है बाद में। पहले तो आए पाकिस्तान जिंदाबाद, माशाल्लाह, लम्या सीधा परचम को लहराता रखे और हमारे पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे। बीच बीच में मैं जंपे मारती रहती हूँ इधर से उधर, इधर से उधर, बट खैर बात पे आते हैं। ये हम नेवल म्यूजियम क्रॉस कर रहे हैं, हम लोग आए थे। अगर आपने मेरा अभी तक नेवल म्यूजियम वाला ट्रिप की व्लॉग नहीं देखी है तो भाई देख लो, देख लो, किसने मना किया। नीचे स्क्रॉल तो करें, एंजॉय क्या करें, इतनी सारी व्लॉग्स बनी हुई है। बन के आपको देख के आपके मुंह में पानी आया कि नहीं आया। बच्चों को मैं कह रही थी कि भाई अपने अपने स्कूलों को, स्कूल की मेमोरीज बनाओ, याद रखो, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही बाद में याद आती हैं। बहुत दिल करता है कि भाई जाके विजिट करो, अपनी टीचर्स को मिलो। तो हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम इतना नहीं कर रहे होते, बट जब बड़े हो जाते हैं तो भाई फिर याद आती है। आज जरा काम से निकले थे, अभी CNIC भी बनवाना है कल, मेरे ख्याल से कल या परसों में जाके, तो उसकी भी ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि भाई CNIC रिन्यू करना होता है, मेरा एक्सपायर होने वाला है। बैंक से बार बार नोटिफिकेशन आ रही हैं कि भाई आप अपना, आपका एक्सपायर हो जाएगा, आप जरा जल्दी इसको रिन्यू करवाएं और मतलब हमें दें कॉपी। तो अच्छा भाई, हम कॉपी करके दे देंगे आपको, परेशानी हो, हम करवा रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। जितना शुक्र करें वो कम है, हमेशा अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। और बस आज बन कबाब का मैंने ख्याल से मैं व्लॉग बन गया, बैठे बिठाए का व्लॉग बन गया, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। मेकिंग ऑफ बन कबाब, हु डजंट लव द बन कबाब बर्गर की, आई लाइक बर्गर्स, आई लव बर्गर्स, आई लव एस ऑल काइंड ऑफ फूड, बट सीरियसली बन कबाब इज माय ऑल टाइम फेवरेट, और वो भी अंडे वाला विद द चटनी एंड द प्याज एंड द खीरा, ओ माय गॉड। तो आपने देखी, आपको एंजॉय किया, आप लोगों ने आई होप एंजॉय किया हो। मेरी तरफ से इतना ही, हम सिर्फ डेली व्लॉग्स को यहीं पे एंड करते हैं। नेशनल स्टेडियम आ गया है भाई, इंडिया पाकिस्तान के मैचेस आने वाले, कैसे जाएगा पता नहीं, लेट्स सी कौन जीतेगा कौन हारेगा, सीरीज स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। तो ये है, प्लस विशिंग पाकिस्तान गुड लक फॉर ऑल द मैचेस कमिंग अप इंशाल्लाह वेरी सून, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैं सर डू यू लाइक क्रिकेट, मैंने कहा आई डू नॉट लाइक क्रिकेट, आई लव क्रिकेट। तो विशिंग पाकिस्तान ऑल द बेस्ट, इंडिया के साथ हो तो यू नो नेक टू नेक बहुत ज़्यादा होता है, माशाल्लाह ये साजगार आगे जा रही है। तो इधर से हम एंड करते हैं अपने ब्लॉग को, आई होप आपने इंजॉय किया हो सदफ डेली ब्लॉग्स और इंजॉय करते हो, और इसको आप सब्सक्राइब कर दिया हो, बेल आइकॉन दबा दी हो। अगर आप न्यू है टू दिस चैनल, डू वॉच सदफ डेली ब्लॉग्स, के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, फ्रॉम कुकिंग टू पेट्स टू एनिमल्स टू रोड ट्रिप्स टू कार रिव्यूज वॉट नॉट, इट्स एवरीथिंग ऑल इन वन। सो डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन का दबा दें ताकि आने वाली ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक कर दीगा, शेयर कर दीगा मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, एंड कमेंट करिएगा कैसा लगा अंडे वाला बन कबाब आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। एक फूड रिव्यू हो रहा है, चलो भाई फूड रिव्यू होना चाहिए ना, सब चीज़ों का थोड़ा 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 सबको टच करना चाहिए, मिक्स एंड मैच करके चलते हैं ताकि सारे एक साथ ना जाया करें, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हर तरह का फ्लेवर मिले। चले मेरी तरफ से इतना ही, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया।